दोस्तों राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान का दौरा किया जहां उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिनकी आधारशिला बीते वर्षों में रखी गई थी और वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च किए गए हैं और किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, इन प्रोजेक्ट्स से किन लोगों को क्या फायदा होगा। ऑल अबाउट राजस्थान प्रोजेक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों आज प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड करवर से डांगियावास तक फोर लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये सीमा से जुड़े इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अलावा पचपदरा से बागुड़ी तक फोर लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इससे पचपदरा रिफाइनरी को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। बालोतरा से सांडे राव के 7 कस्बों में बाईपास और रिलीजमेंट का निर्माण किया जाएगा जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा। जोधपुर और उदयपुर में हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके बन जाने के बाद यहाँ आने वाले यात्रियों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। अभी इन सभी प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है और जल्द ही इन सबका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। डेगाना से रायकाबाग तक का रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया। ये रेलवे लाइन 145 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा डेगाना से कुचामन सिटी तक 51 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण भी हो चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों का उद्घाटन किया। इससे मकराना के मार्बल और नावा के नमक उत्पादन को तेजी से निर्यात किया जा सकेगा। साथ ही आज जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन खामली घाट हेरिटेज ट्रेन को भी लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। अब इस ट्रेन के जरिए देश विदेश के पर्यटक राजस्थान आ सकेंगे और यहाँ की संस्कृति को जान पाएंगे। इसके अलावा जोधपुर में 1850 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए। आज पीएम मोदी ने आईआईटी जोधपुर के अस्थाई परिसर का उद्घाटन किया। वहीं राजस्थान के सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में स्टूडेंट के लिए योग भवन, खेल भवन, वीजा भवन, इंस्ट्रूमेंशन लैब और स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, डाइनिंग भवन और लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। अभी इन चीजों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान के कई जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। साथ ही एम्स जोधपुर में ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया। यहां इमरजेंसी और ट्रामा केयर जैसी सेवाएं भी दी जाएगी। इन्हीं सभी प्रोजेक्ट के साथ और कई प्रोजेक्ट हैं जो पहले से लॉन्च हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान को विकसित करने के लिए पिछले 9 सालों में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिनमें से कई बनकर तैयार हैं और जिनका उद्घाटन लगातार किया जा रहा है। तो गाइस ये थी राजस्थान में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स की जानकारी। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, क्या ये भारत को 2047 तक एक विकसित कंट्री बना देंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।